हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दी टुडे सेशन। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल इन दी टुडेज क्लास। एवरीबॉडी अ वॉर्म 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 वेलकम। एवरीबॉडी स्वागत है बच्चों क्लास में, आप लोगों का वेरी 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 वॉर्म वेलकम। तो आप देख सकते हैं कि आज स्टार्ट हो रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज की क्लास में स्टार्ट हो रहा है। तो एज पर द डिमांड्स ऑफ यू ऑल, आप लोगों ने सबने मुझसे हैवी डिमांड की थी कि मैडम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट कीजिए। देखो पिछली वाली जो क्लास थी, हमने पिछली क्लास में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को ख़त्म किया था, उससे पहले हमने कंपनीज एक्ट को पढ़ा था, और अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं एज पर योर रिक्वेस्ट। तो जो पिछली क्लास अपनी थी जिसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ था, मैंने उसमें आप लोगों से बोला था कि भाई आपको कौन सा एक्ट नया पढ़ना है आप मुझे बताइए, और आपका हैवी डिमांड आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? ऑलराइट, ये हमारी पहली क्लास है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, फर्स्ट क्लास है ये, ओके? तो इसी के साथ कुछ बच्चों के सवाल हो सकते हैं कि मैम आपने कहा था कि आप हमें आंसर राइटिंग सिखाओगी, कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आप हमें वो सिखाने वाले थे कि पेपर में किस तरीके से आंसर लिख कर आना है। तो यस, वो भी सिखाने वाली हूँ। तो मैंने आप लोगों के वीक में दो दिन रिजर्व कर दिए हैं, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे। ये दो दिन ऐसे होंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने पिछला एक्ट पार्टनरशिप एक्ट पूरा ए टू जेड खत्म कर दिया आपके स्टडी मैट से, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कैसे लिख कर आना है, राइट? ओके, वैसे ही आज हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो जितना भी हम अभी आज पढ़ेंगे, जितना भी हम वेडनेसडे तक पढ़ेंगे, उसकी भी कुछ कुछ हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। एक मिनट। ऑल राइट, मैम तरुण का क्या सवाल है? मैम पार्टनरशिप एक्ट का लेक्चर 6 नहीं मिल रहा है। तरुण इसी चैनल पे है बेटा, 1 to 8 पार्टनरशिप एक्ट हमने कंप्लीट किया है 8 लेक्चर्स में। तो हम 8th लेक्चर 1 to 8 सारे के सारे लेक्चर इसी चैनल पर अवेलेबल है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यस, चलिए मैम, कितने दिन में होगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिपेंड करता है। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत फटाफट भी हो सकता है, अगर हम सिर्फ इसे ऊपर से फटाफट रिवाइज करें तो मैं आपको 3-4 दिन में करवा देती हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर सिर्फ रिवाइज करना है तो। अगर देखो देर इज अ डिफरेंस किस चीज में होता है, एक होता है रिविजन करना, तो हम फटाफट चीजों को अगर रिवाइज कर रहे हैं तो रिविजन में क्या करते हैं, हम चीजों को रिवाइज करते हैं। मोर देन अंडरस्टैंडिंग, इट्स रिविजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज वन पार्ट। नाउ इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी डीपली और बहुत अच्छे से समझना है, एक एक चीज समझना है, तो इट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 8 to 10 days टू अंडरस्टैंड द एक्ट वेरी नाइसली, वेरी प्रॉपरली, टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट्स एंड पीसेस ऑफ दिस एक्ट, एटलीस्ट इट विल टेक 8 to 10 days। नाउ आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपका ऑलरेडी ये एक्ट एक बार पढ़ा हुआ है तो हम फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपको डीपली समझना है तो हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे और डीपली पूरा कॉन्सेप्ट में घुस कर पढ़ेंगे, ठीक है? गुड आफ्टरनून। थैंक यू हर्षी, थैंक यू बेटा। चलिए, तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम आप थोड़ा डीपली पढ़ा दीजिए, तो चलिए डीपली पढ़ लेंगे। हेलो मैम, बहुत दिनों बाद मिले, मैं तो रोज आती हूँ, कार्तिक तुम किधर होता है? कहता मैडम बहुत दिन बाद मिले, तुम बहुत दिन बाद आए हो, आ जाओ, मैं तो रोज ही लाइव आती हूँ। ओके मैम, आप कैसे पढ़ाएंगी? देखो मेरा मन तो यही था कि मैं तुमको थोड़ा डीपली पढ़ाऊँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में घुसकर पढ़ो,
ताकि इसके ऊपर कोई भी सवाल आए तो आप लोग आंसर कर सकें. ठीक है, चलिए. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड, लेट्स गेट द सेशन रोलिंग. ऑल राइट बेड़ा जी, चलिए. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का आरंभ किया जाए. ऑल राइट, ओके बच्चों, चलिए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ बच्चों. तो मैडम, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, ये कब आया, ये कब लागू हुआ? बेटा, ये 1872 के अंदर आया. मतलब मैडम, तब तो भारत आजाद भी नहीं था, तब तो ब्रिटिश इंडिया था ना, है ना, तब तो भारत आजाद नहीं था. जब ये एक्ट आया तब तो ब्रिटिश इंडिया था, मतलब भारत तो आजाद नहीं था. करेक्ट. तो बेटा जी, ये इंग्लिश लॉ ही है. ये क्या है? इंग्लिश लॉ है जो भारत में लागू किया गया. आप लोगों को पता है ना, पहले क्या होता था, ये जो पहले वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स बहुत सारी कंट्री पे राज करते थे. क्या सिर्फ इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर ब्रिटिश इंडिया का राज था. तो जहां जहां पे भी ब्रिटिश इंडिया का राज था ना, वहां वहां ये लोग क्या लगाते थे, उन सब कंट्रीज में, जिन जिन कंट्रीज में ये लोग राज किया करते थे, उन उन कंट्रीज में ये लोग इंग्लिश कॉमन लॉ लगा देते थे. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रिटिश इंडिया द्वारा लाया गया एक्ट है भारत के अंदर. ठीक है, ऑल राइट. तो चलिए इस एक्ट को पढ़ते हैं. यूनिट वन है हमारी सबसे पहली. यूनिट वन के अंदर क्या क्या देखने वाले हो आप, ये देख लो. यूनिट वन के अंदर आप काफी सारी चीजें देखोगे, काफी सारी चीजें. ये ब्रॉड ओवरव्यू है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो जो आप पढ़ने वाले हो. ठीक है, जो जो चीज आप पढ़ने वाले हो, ये ओवरव्यू है पूरे के पूरे यूनिट का जो आपके सामने दिख रहा है. चलिए, ऑल राइट मैडम, चलिए आगे बढ़ते हैं. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, तो ये जो बेसिकली आपको पता है, ये जो एक्ट आया कब, सितंबर 1, 1872 को, 1 सितंबर 1872 को ये जो एक्ट है वो लागू हो गया. एंड ये लागू हो गया पूरे भारत पर, होल ऑफ इंडिया पर. करेक्ट. दिस एक्ट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेटा जी एक सेंट्रल एक्ट है और ये पूरे भारत पर लागू होता है. कहीं पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, भारत के किसी भी कोने में बैठकर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, एप्लीकेबल है. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. और ये कब पिक्चर में आया, इसकी पिक्चर कब लगी, इसकी पिक्चर लगी 1 सितंबर 1872 को, जब भारत वॉज रूल्ड बाय, इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स. ऑल राइट, वेन इट इज ब्रिटिश इंडिया. करेक्ट, ओके. तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है सेक्शन 1 से 75 तक, जो कि आप फाउंडेशन में पढ़ते हैं. उसके बाद जो है ना, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे आइडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सारा आप सीए इंटर लेवल पे पढ़ोगे. ये सारा जो है ना, आप सीए इंटर के लेवल पे पढ़ेंगे. अभी हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. करेक्ट, ओके. तो ये जो बाकी का बचा हुआ है मैडम, आइडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये कहां पे कवर होता है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है बेटा, ये सीए इंटर में कवर होते हैं. ऑल राइट, ओके. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो थी बेसिक बातें. सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. देखो, What is a contract? हो सकता है मेरे साथ बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे होंगे. बेटा जी, अगर आपका ये पहली बार है तो भी आप समझ जाओगे, don't worry, हम डिटेल में पढ़ेंगे. What is a contract? कहता है contract एक agreement है, agreement enforceable by law, agreement enforceable by law. What is a contract? बेटा contract मतलब एक agreement which is enforceable by law. तो ये दो essentials है contract के. Contract के क्या दो essentials है? एक agreement होना जरूरी है और it has to be enforceable by law. Agreement मतलब क्या होता है मैडम? What is an agreement? Agreement मतलब मैंने आपको offer दिया कोई चीज का और आपने उस offer को accept कर लिया. मैंने आपको एक offer दिया और आपने उस offer को क्या कर लिया? Accept कर लिया. मतलब हम दोनों same, हमारा mind जो है वो बिल्कुल
सेम तरीके से सोच रहा है। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया अग्रीमेंट, हम दोनों में अग्रीमेंट हो गया। लेट से मैंने आपको बोला कि ये ले बेटा आप मेरा फोन ले लो, मैंने बोला मैं आपको फोन बेचती हूं, तुम मुझे 50,000 रुपए देना, तो ये क्या हो गया? मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया अग्रीमेंट। ओके, अग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए जो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर ले। एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना। व्हाट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ? एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब कोई तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना, मतलब बाउंड टू डू समथिंग, आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। मतलब हमारे एक दूसरे के साथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिसाइड हो गए, मतलब आई एम बाउंड टू डू समथिंग, दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। अच्छा चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने आपको बोला, लेट से मैंने पूजा को बोला, पूजा चलो अपने कॉफी पे चलते हैं। पूजा बोलती ठीक है मैडम चलो। मैंने पूजा को बोला, मैंने पूजा को ऑफर दिया कि पूजा 4 बजे चलो कॉफी पे चलते हैं। मैंने पूजा को ऑफर दिया और पूजा ने बोला हाँ मैडम चलो चलते हैं यार, बढ़िया है, मजे आएंगे। पूजा ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ओके। तो हमारे बीच में अग्रीमेंट हो गया क्या? मेरे और पूजा के बीच में अग्रीमेंट हो गया क्या? क्या मैंने पूजा को ऑफर दिया कि चलो पूजा कॉफी पे चलते हैं, पूजा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक बात बताओ, अगर पूजा नहीं आई कॉफी पे, मान लो पूजा नहीं आई, तो ऐसा माना जाएगा क्या कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? नहीं। कोई लीगल ऑब्लिगेशन है क्या हमारे बीच में? मैंने पूजा को बोला चल पूजा कॉफी पे चलते हैं, पूजा बोलती ठीक है मैडम चलते हैं, अब हम दोनों में अग्रीमेंट हो गया, लेकिन क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है? क्या अगर पूजा नहीं आएगी तो मैं क्या पूजा पे केस कर दूंगी कि पूजा तू नहीं आई कॉफी के लिए, तुमने बोला था कि तुम कॉफी पे आओगी पर तुम नहीं आई कॉफी के लिए? नहीं, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है। कोई लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी क्रिएट हुआ है, थोड़ी ना देयर इज समथिंग दैट इज बाउंड टू डू, मतलब एक बात बताओ कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ क्या? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ अग्रीमेंट है, राइट? मेरे और पूजा में सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है? इट हैज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना पड़ा, मतलब आई शुड बी बाउंड टू डू समथिंग, शी शुड बी बाउंड टू डू समथिंग, मतलब राइट ऑब्लिगेशन होने चाहिए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अमंग ईच अदर होने चाहिए टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। चलिए ऑल राइट ओके, ऑल राइट चलिए मैडम समझ में आ गया, ऑल राइट बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट होना भी जरूरी है और वो अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना भी जरूरी है, मतलब एक लीगल ऑब्लिगेशन हम दोनों में क्रिएट होना चाहिए। चलिए ऑल राइट मैडम, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा? टू असेंशियल्स एलिमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के क्या दो असेंशियल एलिमेंट है? पहला तो देखो अग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब मैंने कुछ ऑफर दिया और सामने वाले ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो अग्रीमेंट होना जरूरी है। और कहता है इट हैज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब बाइंडिंग होना चाहिए एक दूसरे पे, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए, दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? देखो अग्रीमेंट समझने के लिए इधर आओ। अग्रीमेंट मतलब व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल, द प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। मतलब क्या प्रॉमिस का वर्ड मतलब क्या है? प्रॉमिस मतलब क्या होता है? देखो एवरी प्रॉमिस, अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस। प्रॉमिस कब होती है? जब मैंने आपको प्रपोजल दिया और आपने उस प्रपोजल के लिए सहमति दे दी, आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रपोजल क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस मतलब मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया और आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। तो अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस, राइट, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फिर बताओ मेरे को, एवरीबॉडी मेरे को बताओगे मैडम अग्रीमेंट क्या होता है? आपने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट के दो असेंशियल्स होते हैं, अग्रीमेंट होना पड़ेगा और एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना पड़ेगा। मैडम अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? बेटा अग्रीमेंट मतलब होता है प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एक प्रॉमिस या फिर बहुत सारी प्रॉमिसेस, दैट इज सेट ऑफ प्रॉमिसेस। अच्छा हाँ, बहुत प्रपोजल से इधर उधर दिमाग लगाओ मत, क्या तुम लोग, मैं देख रही हूँ बहुत दिमाग चल रहा है, प्रपोजल एक्सेप्टेड पिटाई गाओगे। अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस। प्रॉमिस मतलब क्या होता है?
प्रॉमिस मतलब क्या होता है, एक आदमी ने प्रपोजल दिया, दूसरे वाले ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रपोजल क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, ओके। मैंने एक आदमी ने दूसरे आदमी को प्रपोजल दिया, दूसरे वाले ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गई, प्रॉमिस बन गई। तो अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने प्रपोजल दिया पूजा को कि पूजा चलो कॉफी पे चलते हैं, पूजा ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गई, प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस प्रॉमिस हो गया। तो अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऑल राइट, ओके, सिंपल, ओके मैडम, ऑल राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ऑल राइट, ओके। तो कंक्लूजन क्या बोलता है, कंक्लूजन कंक्लूजन कहता है अग्रीमेंट मतलब एक प्रपोजल होना पड़ा, प्रपोजल मतलब ऑफर होना पड़ा, और सामने वाले का इस पर एक्सेप्टेंस होना पड़ा, उसे कहते हैं हम अग्रीमेंट। मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस हो गया ना, किसी ने प्रपोजल दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एवरीबडी एवरीबडी समझा गया अग्रीमेंट वर्ड का, अग्रीमेंट वर्ड का मतलब समझा क्या, अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, प्रॉमिस देना। मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो बन गई प्रॉमिस। दैट इज प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज अग्रीमेंट। चलिए एवरीबडी, देखो आप लोग फोकस्ड हो गया बच्चों, आस्क योर सेल्फ, आप लोग पढ़ने आए हो गया? हाँ जी, हाँ मैडम, ऑफकोर्स पढ़ने आए हैं, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी जो बच्चे जो भी टाइम पास कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तुमको क्या लेना देना यार, तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊंगी। मैं डिस्टर्ब होती हूँ क्या ये सब कमेंट सेक्शन को देखकर? नहीं होती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। जिसका काम है टाइम वेस्ट करने का वो टाइम वेस्ट करेगा। तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, चलिए, ओके, यस मैडम, समझ में आ गया। ऑल राइट, दूसरा क्या होता है बेटा बताओ, दूसरा एसेंशियल क्या होता है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मतलब कहता है एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा, एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा। मतलब मैंने बोला ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होना जरूरी है, और वो अग्रीमेंट क्या होना चाहिए बेटा, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहिए, तब वो बनेगा ड्यूली एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ कब होगा, जब कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। अच्छा, मतलब कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक दूसरे में क्रिएट होंगे। जैसे मैडम इधर आओ, देखो एग्जाम्पल वन, ए ने अग्री किया बी को टू सेल द कार फॉर 2 लाख टू बी। ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को अपनी गाड़ी देता हूं, तू 2 लाख रुपए दे दे। तो ए इज अंडर ऑब्लिगेशन, क्या ए के ऊपर ऑब्लिगेशन है क्या, वो अपनी गाड़ी बी को देगा। बी के पास राइट है कि वो गाड़ी रिसीव करेगा, और बी का ऑब्लिगेशन भी है कि बी को 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाना मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाना, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना मतलब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाना। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। मैडम बिल्कुल बढ़िया से समझा, मतलब क्या, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहली बात तो देखो अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस, अग्रीमेंट होना जरूरी है मतलब प्रॉमिस करना, कोई तो प्रॉमिस होनी चाहिए, मतलब प्रॉमिस मतलब एक ऑफर होना चाहिए और वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, दैट इज अग्रीमेंट। एंड एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। मैम एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब क्या होता है बेटा, एनफोर्सिएबल बाय मतलब कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अमंग्स ईच अदर क्रिएट होने चाहिए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होना चाहिए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मेरे को एक बात बताओ, ए ने बोला मैं तेरे को अपनी गाड़ी देता हूं, तू मेरे को 2 लाख रुपया दे, तो ए के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है कि उसे गाड़ी देनी पड़ेगी। बी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है कि उसे 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। ए के पास क्या राइट है, उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। बी के पास क्या राइट है, उसको गाड़ी मिलेगी। तो कहता है लीगल ऑब्लिगेशन तब होता है जब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब जब लीगल ऑब्लिगेशन हो। लीगल ऑब्लिगेशन कब होता है बेटा, जब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं दैट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर। एवरीबडी समझा गया बेटा जी? ओके चलिए मैडम, बेसिक समझ में आ गया, एकदम बढ़िया।
आई एम, देखो बेटा मैं ये नहीं जानती कि आपने पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है आपने नहा पढ़ा हो, बट मैं ऐसे पढ़ाऊंगी जैसे आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो हर एक चीज बेसिक में डिटेल में जाके अपने पढ़ेंगे एज इफ आपने कभी भी चीज ये नहीं पढ़ी है, ठीक है? ऑल राइट, ओके, हमारे पास टाइम है अभी, बहुत अच्छा टाइम है, तो क्यों ना डीपली पढ़ा जाए, क्यों ना अच्छे से पढ़ा जाए, क्यों ना हर चीज को प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा जाए, ओके ओके, चलिए चलिए, ऑल राइट मैडम, परफेक्टली समझा, ओके ठीक है, समझ गया, अग्रीमेंट होना जरूरी है। अरे ए और बी ने अग्रीमेंट एंटर किया ना कि तू मेरे को गाड़ी दे, मैं तेरे को 2 लाख रुपया दूंगा, तो ये क्या हो गया? ए ने बोला, ए ने ऑफर दिया, मैं तेरे को गाड़ी देता हूं, तू मेरे को 2 लाख रुपया दे, बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो बन गया अग्रीमेंट, और इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गए, दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा जो दो तरह के अग्रीमेंट होते हैं, दो क्लास ऑफ अग्रीमेंट होते हैं, दो टाइप के अग्रीमेंट होते हैं, दो टाइप के अग्रीमेंट, टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, जिसमें कभी भी दैट लैक्स लीगल ऑब्लिगेशन, दैट लैक्स लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब दो टाइप के ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जिसमें कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, मतलब टू टाइप ऑफ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे मैडम कौन से अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स, सोशल मैटर्स को किए को लेकर किए गए अग्रीमेंट, अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, या फिर डोमेस्टिक अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, डोमेस्टिक अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देखो ये दो टाइप के ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है, इट लैक्स लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब एक बात बताओ, मैंने तुमको घर पे बुलाया, मैंने बोला आओ घर पे, आओ चलो डिनर पे आ जाना, मैंने आपको डिनर पे बुलाया, लेट्स से मैंने आप लोगों को पूरी क्लास को मैंने घर पे बोला, मैंने तुम लोग को बोला कि चलो तुम लोग मेरे घर पे आना डिनर के लिए आना, मैंने तुम लोग को घर पे डिनर के लिए बुलाया, या फिर मान लो मैंने तुम लोगों को कॉफी पे बुलाया, या फिर मान लो मैंने तुम लोगों को बर्थडे पार्टी में बुलाया, तो मुझे बताओ ये क्या सोशल मैटर्स को लेकर अग्रीमेंट है क्या? डिनर पे बुलाना, कॉफी पे बुलाना, बर्थडे में बुलाना, ये सब सोशल मैटर्स को लेकर क्या वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा क्या? एक बात बताओ मैंने तुम लोग को डिनर पे बुलाया, उसके बाद डिनर कैंसिल कर दिया, तो तुम मुझे केस कर दोगे क्या तुम मेरे पे? मैंने तुम लोगों को कॉफी पे बुलाया, मैं ही नहीं आई कॉफी पे, तो क्या तुम मेरे पे केस कर दोगे? अरे ये सोशल मैटर्स को लेकर अग्रीमेंट है, इनमें कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, इट लैक्स लीगल ऑब्लिगेशन। मैंने तुम लोग को डिनर पे बुलाया, या मैंने तुम लोग को कॉफी पे बुलाया, मैंने तुम लोग को बर्थडे पार्टी में बुलाया और मैं नहीं आई, मान लो कोई बर्थडे पार्टी नहीं किया मैंने, तो मुझे बताओ कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा क्या? नहीं। कभी भी जो अग्रीमेंट सोशल मैटर्स को लेकर होते हैं वो कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, दे लैक लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा डोमेस्टिक अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ ने एक दूसरे में अग्रीमेंट किया कि सैटरडे को सब्जी तुम लाएगा, या फिर घर का ये काम आप करेंगे, घर का ये काम वो करेगी, तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट किया है क्या? घर चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे के बीच में अग्रीमेंट एंटर किया कि तुम सब्जी लाएगा, तुम ये लाएगा, तुम बिग मार्ट से ये सामान लाओगे, ये वो, तो दोनों के बीच में डोमेस्टिक अग्रीमेंट हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डोमेस्टिक अग्रीमेंट हुआ। मेरे को बताओ क्या अगर एक सब्जी लाना भूल गया तो क्या दूसरा उस पर केस कर देगा? अरे मैडम ये कहां किस बात हुई है? तो बेटा जो अग्रीमेंट होते हैं ना, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, घर चलाने का अग्रीमेंट इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डोमेस्टिक अग्रीमेंट हुआ है दैट इज घर चलाने का अग्रीमेंट। तो भैया घर चलाने का अग्रीमेंट हुआ है ना, अगर एक ने सब्जी नहीं लाया तो क्या दूसरा उस पर केस कर देगा? नहीं ना मैडम, नहीं ना। अच्छा सोशल मैटर्स को लेकर किया गया जो अग्रीमेंट होता है वो भी, उसमें भी कभी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता। एवरीबडी समझा? ओके, बेलफोर वर्सेस बेलफोर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए
ऑल राइट, सारे बच्चे समझ में आ गया? एनीबडी एनी डाउट? तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, चलिए पढ़ लीजिए, बेसिक बताइए मेरे को, सारे बच्चे बताएंगे। जाकिर बेटा लेट आया क्या? अभी अभी तो लीगल एनफोर्सिबल बाय लॉ समझाया था मैंने, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब एनफोर्सिबल बाय लॉ, किधर है ध्यान तेरा है? और बार बार एक डाउट को लिखेगा तो क्या मतलब? हाँ क्लास में ध्यान किधर रहता है, रील चला रहे हो साइड में बैठ के है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट एंड दैट अग्रीमेंट हैज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। अच्छा मैडम समझ में आ गया, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए मतलब एक दूसरे के बीच में राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट होने चाहिए। अग्रीमेंट मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये हो गया आपका अग्रीमेंट। ओके फिर मैंने बोला ऐसे दो टाइप के अग्रीमेंट होते हैं, टू टाइप्स के अग्रीमेंट होते हैं जिसमें कभी भी दैट लैक्स लीगल ऑब्लिगेशन कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा, मतलब बाइंडिंग नहीं होगा कभी भी, दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग ना होना, इट इज नेवर बाइंडिंग। कौन से अग्रीमेंट होते हैं? अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स, मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया, मैंने तुम्हें डिनर पे बुलाया, कॉफी पे बुलाया, मैं ही नहीं आई तो तुम क्या केस थोड़ी कर लोगे? इट लैक्स लीगल ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन ईच अदर। एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब बाइंडिंग ऑन ईच अदर, बाइंड करना ही पड़ेगा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक दूसरे के बाइंडिंग है। लीगल ऑब्लिगेशन ना होना मतलब बाइंडिंग नहीं है। अब सोशल मैटर में मैं नहीं आई, कॉफी तुमको डिनर पे बुला के मैं खुद ही नहीं आई डिनर पे, तो कैसे होएगा? जरूरी नहीं है ना, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। और कहता है डोमेस्टिक अग्रीमेंट, डोमेस्टिक मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में एंटर किया हुआ अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, हस्बैंड और वाइफ के बीच का अग्रीमेंट डोमेस्टिक अग्रीमेंट कहता है, इसमें कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। चलिए ऑल राइट, सारे बच्चे समझे क्या? चलिए वेरी वेरी गुड बेटा जी, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, असेंशियल्स ऑफ वैलिड अग्रीमेंट, सॉरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, यहाँ पे आओ, ये नीचे वाला एक एग्जाम्पल देखो, नीचे वाला एग्जाम्पल, फादर ने प्रॉमिस किया सन को कि तेरे को ना 500 रुपया पर महीना देंगे, बट बाद में ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर, तो क्या बच्चा क्या कोर्ट में केस कर देगा क्या पापा पे कि इन्होंने बोला था कि ये लोग ये मेरे को देंगे, इन्होंने बोला था कि ये मुझे पॉकेट मनी देंगे 500 रुपये पर महीने की, अब ये मना कर रहे हैं? मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सोशल अग्रीमेंट है क्या? पापा ने बोला कि चल तेरे को 500 रुपया पर महीना देंगे अगर तू अच्छे से पढ़ाई करता है तो तेरे को 500 रुपया पर महीना देंगे, बट पापा ने 500 रुपया पर महीना नहीं दिया, तो तुम क्या पापा को कोर्ट में सू कर दोगे जाके कि पापा ने बोला था 500 रुपया देंगे पर नहीं देते हैं ये? तो बेटा ये सोशल अग्रीमेंट है, ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, दरवाजा नहीं खटखटा सकते, ये बाइंडिंग नहीं है पापा के ऊपर कि वो देंगे ही। अच्छा हाँ, सही बात है मैडम। ओके मैंने अभी तो बोला ना अग्रीमेंट जो सोशल मैटर्स को लेकर होते हैं, चलिए ये हस्बैंड वाइफ वाला भी बोल दिया, डोमेस्टिक अग्रीमेंट जो होते हैं उसमें भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, डोमेस्टिक अग्रीमेंट। ओके चलिए अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है, मेरे को एक बात बताना कौन बड़ा है? ऐसे अग्रीमेंट्स जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो वो क्या बन जाता है बेटा? ऐसे अग्रीमेंट्स जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, जो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो इट इज कॉन्ट्रैक्ट, बट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स सिंपली एन अग्रीमेंट, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे को बताओ कौन सा बड़ा है, अग्रीमेंट बड़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, बताओ सारे बच्चे मुझे बताएंगे कौन सा बड़ा है? यस नीरज, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ने वाले, मेरे को आप लोग बताएंगे कौन सा बड़ा है? अग्रीमेंट बड़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है?
वेरी गुड, अग्रीमेंट बड़ा है. क्यों? अग्रीमेंट का एक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट, अगर कोई अग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. अगर अग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट तो एक स्पीसी है बेटा जी. अग्रीमेंट बड़ा है, अग्रीमेंट बड़ा है. अग्रीमेंट क्या है? बड़ा है. इसका टाइप क्या है? इसका एक टाइप क्या है? इसका एक टाइप कॉन्ट्रैक्ट है. अग्रीमेंट बड़ा है, इसे कहते हैं जीनस है. और इसका एक टाइप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. अग्रीमेंट, क्योंकि जो अग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं. तो अग्रीमेंट बड़ा है. अग्रीमेंट का एक टाइप क्या है? अग्रीमेंट का एक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, तो चलिए ऑल राइट, पढ़ते हैं. तो ये क्या कह रहा है? अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? देखो, पहले तो देखो डिफाइन किया गया है. अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अभी आपने पढ़ा था, वो होता है अग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट भी होना पड़ेगा और लीगल एनफोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब बाइंडिंग ऑन ईच अदर होना चाहिए. कहता है देखो कौन सा स्कोप, किसका स्कोप क्या बड़ा है. कहता है अग्रीमेंट वाइडर है, बोथ लीगल एंड सोशल अग्रीमेंट यहाँ पे कवर होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट नैरोअर सेंस में हम बात करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, ओनली वो कॉन्ट्रैक्ट है. जो अग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल हो, जो अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है. तो कॉन्ट्रैक्ट नैरोअर है, स्कोप कॉन्ट्रैक्ट का नैरो है. अग्रीमेंट का स्कोप क्या है? वाइडर है, क्योंकि अग्रीमेंट लीगल भी हो सकते हैं, मतलब एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी हो सकते हैं, एंड सोशल अग्रीमेंट भी हो सकते हैं. अच्छा, नेचर देखो, ऑल अग्रीमेंट्स, सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होते हैं. अग्री करते हो क्या? एवरी अग्रीमेंट इज अ ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सारे अग्रीमेंट्स अग्रीमेंट्स हैं पर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, पर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होना जरूरी है. एवरीबडी अंडरस्टूड? इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. सिंपल. एवरीबडी अंडरस्टूड क्या बेटा जी? एवरीबडी, एनी एवरीबडी, समझा? चलो मेरे को बताओ, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है बताओ मुझे. अग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस. यस मैम, अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस. कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट भी होना जरूरी है, प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना भी जरूरी है. अच्छा, फिर मेरे को एक बात बताएंगे, अग्रीमेंट का स्कोप क्या है? वाइडर स्कोप है. इसका स्कोप क्या है? नैरोअर स्कोप है, ठीक है. फिर इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. अब सारे अग्रीमेंट ऑफ कोर्स हो सकता है एनफोर्सिबल बाय लॉ ना हो, तो इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. हो सकता है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो, बट यहां पे इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. ऑल राइट, बाइंडिंग होता है. अच्छा, मेरे को एक बात बताएंगे, जो अग्रीमेंट्स है, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. जैसे सोशल मैटर के अग्रीमेंट, सोशल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. All contracts are agreements. Everybody, यहां आप डिफरेंस समझे, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क समझे क्या होता है. आज की क्लास में मैं आपको ट्राई कर रही हूं समझाने का कि अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है, और बहुत बेसिक से समझा रही हूं बेटा. एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब बाइंडिंग ऑन ईच अदर, करना ही पड़ेगा, बाइंडिंग है. आपको और मेरा राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया एक दूसरे में, हमें वो काम करना ही पड़ेगा. इट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब इट्स बाइंडिंग ऑन ईच अदर. अगर मैं नहीं करूंगी तो आप कोर्ट में जा सकते हो. समझा? ओके मैडम, समझा, परफेक्टो मैडम, बढ़िया, ऑल राइट बेटा, परफेक्टो. चलिए आगे, ये तो सिनॉप्सिस है कॉन्सेप्ट के, मतलब समरी है कॉन्सेप्ट की. सिनॉप्सिस मतलब समरी, आपने पढ़ लिया और इट्स वेरी बेसिक. अब यहां पे आएंगे असेंशियल्स ऑफ वैलिड अग्रीमेंट.
एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी अग्रीमेंट निकल रहा है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट. मैडम ये सब क्या होता है एक एक करके पढ़ेंगे. चलिए चलिए इधर आएंगे, सिनॉप्सिस में आएंगे. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जनरल एसेंशियल्स एंड एसेंशियल्स एज पर सेक्शन 10. मेरे को एक बात बताओ, दो पार्टीज का होना जरूरी है क्या? कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, वैलिड कब होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, व्हाट आर द एसेंशियल्स कंडीशन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए सबसे पहले दो पार्टीज होना जरूरी है क्या? एक आदमी कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ क्या? मैं, क्योंकि जाकिर आपका इंटरनेट स्लो है, दैट इज वाई आपका वीडियो ब्लर आ रहा है. जाकिर आपका इंटरनेट स्लो है, दैट इज वाई आपकी वीडियो ब्लर आ रही है. ऑल राइट, मुझे बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है. जैसे पार्टनरशिप करने के लिए दो पार्टनर्स का होना जरूरी है मिनिमम, वैसे ही दो पार्टनर्स का होना जरूरी है, दो पार्टीज का होना जरूरी है. कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज होनी जरूरी है. तो कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अ पर्सन कैन नॉट एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ. आप अपने आप के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज का होना जरूरी है. हो सकता है वो आदमी नेचुरल पर्सन हो या फिर क्रिएटेड बाय लॉ हो, जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है. कहता है दो पार्टीज का होना जरूरी है. वो दोनों पार्टीज नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं या फिर पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कंपनी भी हो सकती है, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट्स. पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ मतलब जुडिशियल पर्सन मतलब कंपनीज भी हो सकती है, पर दो लोगों का तो होना जरूरी है. दो लोग नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं या पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ भी हो सकते हैं. अब देखो यहां पे एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन. मैम आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, प्लीज रिप्लाई. प्रवीण, क्या आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया क्या? प्रवीण ये सारी बातें मैंने आप लोगों को ना स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि थर्सडे और फ्राइडे दो दिन होंगे जिसमें हम राइटिंग सेशन करेंगे. तो प्रवीण अगर आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है ना बेटा, तो आप लोग सेम वही क्वेश्चन पूछते हो जो ऑलरेडी मैंने एड्रेस कर दिया क्लास में. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि दो दिन रिजर्व हुए हैं, दो दिन में हम राइटिंग सेशन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. चलिए ऑल राइट. तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या हुआ? देखो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई. इस केस लॉ में क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई तो सेल्स टैक्स ऑफिसर आ गया और टैक्स लगाने लगा. मतलब जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई तो कंपनी के एसेट्स डिवाइड हो रहे थे पार्टनर्स में, तो सेल्स टैक्स ऑफिसर ने आके टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया ये बोल के कि सेल हो रहा है. पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही थी तो पार्टनरशिप फर्म के जितने भी एसेट्स थे वो पार्टनर्स में डिवाइड हो रहे थे, तो सेल्स टैक्स ऑफिसर ने उसको टैक्स लगाने की कोशिश की और बोला ये सेल हो रहा है. मेरे को बताओ ये सेल नहीं है. द पार्टनर्स बींग द ज्वाइंट ओनर, पार्टनर्स ही तो ओनर है उस एसेट के, तो बोथ बायर एंड सेलर एक आदमी थोड़ी हो सकता है. मतलब सेलर भी हम है और बायर भी हम है, मतलब प्रॉपर्टी हमारी है और हमको ही बिक रही है, ऐसे थोड़ी होता है. एवरीबडी, समझ में आ गया? एवरीबडी. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज रमनलाल एस एन कंपनी में क्या हुआ, देखो कैसे क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है. तो जैसे अगर आप कोई सामान बेचते हो तो एक बायर होता है और एक सेलर होता है, दो अलग अलग लोग होते हैं. तो एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही थी, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही थी तो सेल्स टैक्स ऑफिसर ने आके क्या बोला, सेल हो रहा है. जब पार्टनर्स प्रॉपर्टी एक दूसरे में डिवाइड कर रहे थे तो सेल्स टैक्स ऑफिसर ने टैक्स लगाने की कोशिश की और बोला ये तो सेल है. तो मुझे बताओ पार्टनर्स ने क्या बोला, हम ही इस प्रॉपर्टी के क्या है, ओनर्स हैं. तो हम ही बायर और हम ही सेलर कैसे हो सकते हैं, दो अलग अलग आदमी का होना जरूरी है ना एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए. एवरीबडी, समझा गया? ओनर, एवरीबडी, समझा? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी. मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही थी, डिसॉल्व हो रही थी. अच्छा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व अगर होगी तो जो भी पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स होंगे
वो डिवाइड हो जाएंगे किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर। सेल्स टैक्स ऑफिसर ने बोला कि ये तो सेल हो रहा है, फर्म सेल कर रही है अपने पार्टनर्स को, तो सेल्स टैक्स ऑफिसर का क्या कहना था, उसने टैक्स लगाने की कोशिश की और बोला ये सेल हो रहा है। तो क्या ये सेल है? नहीं। मुझे बताओ ये एसेट्स किसके हैं? पार्टनर्स के ही हैं। तो यही सेलर और यही बायर थोड़ी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टनर की है। तो यही बेच रहे हैं और खुद ही को बेच रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। दो प्रॉपर्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज होना जरूरी है। तो इट्स नॉट अ सेल। एवरीबडी समझा? ओके चलिए इधर जाओ, मेरे को एक बात बताओ। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मेरे को बताओ, आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशन से ही तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? आपने ये पढ़ा है ना, सोशल जो अग्रीमेंट होते हैं या जो डोमेस्टिक टाइप के अग्रीमेंट होते हैं, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मुझे बताओ, पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के इंटेंशन से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है क्या? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। तो मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है क्या? लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है क्या? आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पीछे? आपका इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। अब जैसे जो अग्रीमेंट सोशल मैटर्स को लेकर होते हैं या डोमेस्टिक अग्रीमेंट होते हैं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब जो अग्रीमेंट सोशल मैटर्स को लेकर होते हैं, डोमेस्टिक टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एवरीबडी समझा? ये लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे नहीं होता इन अग्रीमेंट्स में। मतलब जो सोशल टाइप के अग्रीमेंट होते हैं या जो डोमेस्टिक टाइप के अग्रीमेंट होते हैं, उनमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती लॉ की, मतलब वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। इट शुड बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपका एक ये फेमस केस लॉ है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। डोमेस्टिक मतलब हस्बैंड ने अग्री किया वाइफ को कि वो सर्टेन हर महीने मेंटेनेंस देगा। हस्बैंड ने अग्री किया वाइफ को कि मैं हर महीने तेरे को मेंटेनेंस का पैसा दूंगा, एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। हस्बैंड प्रॉमिस्ड अमाउंट को नहीं दे पाया, तो वाइफ ने रिकवरी के लिए उसे कोर्ट में सू कर दिया। तो मेरे को बताओ, वाइफ रिकवर कर पाएगी क्या अमाउंट? नहीं। अरे हस्बैंड ने डोमेस्टिक अग्रीमेंट एंटर किया था आपके साथ। डोमेस्टिक अग्रीमेंट आर नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ। डोमेस्टिक अग्रीमेंट या फिर सोशल मैटर्स को लेकर जो अग्रीमेंट होते हैं, वो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। मतलब हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तेरे को मेंटेनेंस अग्रीमेंट दूंगा, लेकिन बाद में नहीं दिया, तो वाइफ क्या उसे सू कर सकती है क्या? अरे नहीं कर सकती, डोमेस्टिक अग्रीमेंट है ये। डोमेस्टिक अग्रीमेंट, जो सोशल अग्रीमेंट होते हैं, डोमेस्टिक अग्रीमेंट होते हैं, कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। ये बाइंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड देगा। ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप कोर्ट में घसीट के नहीं ले जा सकते। एवरीबडी समझा गया? बेल्फर वर्सेस बेल्फर, एवरीबडी समझा गया बेटा? तो कहता है लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल रिलेशनशिप का होना जरूरी है, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। अगर कोई सोशल मैटर को लेके अग्रीमेंट होता है या डोमेस्टिक मैटर को अग्रीमेंट होता है, वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। ऑल राइट, ओके ओके, ऑल राइट बेटा। तो ये बाकी के असेंशियल्स जो है ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ये हम टुमारोज क्लास में रीड करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे। आज हमने स्टार्ट किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो कल की क्लास में हम ये सारे असेंशियल्स को कंप्लीट करेंगे। और क्या क्या करेंगे देखते हैं। चलिए, इन टुमारोज क्लास वी विल रीड अबाउट दी असेंशियल्स ऑफ वैलिड अग्रीमेंट। टुमारो, अच्छा टुमारो इज देर इज नो क्लास, हाँ सुनेंगे टुमारो देर इज नो क्लास। संडे को हम क्या करेंगे, ऑफर तक करेंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके एवरीबडी, टुमारो देर इज नो क्लास। कल क्लास नहीं है, परसों है अब आपकी क्लास। टुमारो देर इज
नो क्लास, ठीक है। क्लास इज ऑन संडे। ओके एवरीबॉडी, तो आप लोगों को समझा, सारे बच्चे समझे, आज हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट किया, जहां हमने स्टार्ट किया कि क्या है सी, बेटा नोट्स कहाँ मिलेंगे, बेटा यू कैन ओपन योर स्टडी मैट एंड सिट विद मी, ठीक है, आप अपने स्टडी मैट को खोल के मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ओके चलिए, जब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करेंगे, आप मेरे से लॉ पढ़ेंगे, तब ये नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑल राइट, सी ए अश्वथा, बेटा जब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करेंगे और मेरे से लॉ पढ़ेंगे, जब मैं लॉ का बैच स्टार्ट करूंगी, तब आपके साथ ये नोट्स शेयर किए जाएंगे। ऑल राइट मैम, व्हाट डज इट मीन बाय केस लॉ? केस लॉ मतलब केस, केस लॉ जो हमने इतने सारे केस लॉज पढ़ते रहते हैं लॉ में, ठीक है। संडे को क्लास कितने बजे है बेटा? संडे को क्लास है 4 बजे, सेम हमारा टाइम ही 4 o'clock का है, ठीक है, 4 o'clock, 4 o'clock, 4 PM। अच्छा एक काम करोगे, कुछ नए तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, एक काम करें, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बड़े काम करना चाहते हो, सुनो सुनो सुनो, जाना मत, रुको रुको, एक काम करें, छोड़ो, आपको मेरे नोट्स चाहिए ना, छोड़ो, नोट्स बनाए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में, लेट्स मेक नोट्स विद मी, नोट्स बनाने, एक काम करते हैं, एक नोटबुक खरीद के लाना, संडे को क्या करेंगे, नोटबुक खरीद के लाएंगे, ओके, एक नया नोटबुक लाना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स बनाते हैं साथ में बैठ के, ठीक है। तो जो बच्चे ने नोट्स अभी तक बनाए नहीं है, मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाते हैं, छोड़ो ये सब नोट्स वोट्स, एक काम करेंगे साथ में नोट्स बनाएंगे, लेट्स मेक नोट्स, चलिए ऑल राइट एवरीबॉडी, तो लेकर आना, ठीक है, एक काम करना, अपने एक नोटबुक लेकर आना और नोटबुक में बढ़िया तरीके से प्यार से नोट्स को बनाते हैं। चलिए आपकी श्रद्धा है मैडम, चलिए ऑल राइट, श्रद्धा में, मेरी श्रद्धा कहती है बनाएंगे नोट्स बनाएंगे, चलिए ऑल राइट, ओके एवरीबॉडी, चलिए ऑल राइट, हैव अ गुड डे, आप लोग पढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगी अनअकैडमी के पेज पर। बेटा अगर आपके एग्जाम्स जो है वो दिसंबर में है, या आपके एग्जाम्स अभी कमिंग एग्जाम्स है और आपने अभी तक पूरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है, तो आप CA फाउंडेशन पर, CA फाउंडेशन के लिए अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। अनअकैडमी पे 24, 18, 12, 6, 3 months के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, और दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। अगर आपके अच्छे से अभी तक क्लासेस नहीं हुई है और आप आराम से अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्राइब करके पढ़ना चाहते हो, तो प्लस या आइकॉनिक ले सकते हो। आपको क्या पता है, आपके एक सब्सक्रिप्शन से आप चारों सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हो, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इको, सबकी क्लासेस आप एक सब्सक्रिप्शन से ले सकते हो। तो अनअकैडमी पे आप किसी भी अपने हिसाब से कोई भी मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, 6 या 12 months के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप सब्सक्रिप्शन के समय मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज CA दीपिका। तो मेरा कोड है CA दीपिका, यहाँ पे आप लोग डालेंगे मेरा कोड, कोड क्या है, CA दीपिका, CA मैं हूँ और दीपिका मेरा नाम है, तो CA दीपिका इज माई कोड। आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ अप्लाई पे जब प्रेस करोगे तो आप डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। सो CA दीपिका इज माई कोड, इस कोड को यूज करके आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी क्लासेस को अवेल कर सकते हो अनअकैडमी से। ध्यान देना है कि कोड लगाना मत भूलिएगा, ताकि आपको डिस्काउंट्स मिलते रहे। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो CA दीपिका इज फॉर यू। ऑल राइट, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड व्हाइल सब्सक्राइबिंग ऑन टू द अनअकैडमी। कल हमारी क्लास नहीं रहेगी, संडे को नोटबुक लेकर आना, संडे को प्यार से नोट्स बनाएंगे। ओके बेटा, बाय बेटा जी,
भाई, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत को करते रहिए, समझा? मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रिंसी क्या कह रही है? मैम, आई हैव अंडरस्टूड अ लॉट इन टुडेज क्लास। थैंक यू बेटा, डोंट वरी। अभी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ जाना चाहिए? तुम्हारे नर्व्स में जाना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बढ़िया से समझेंगे। ऑल राइट बेटा जी, चलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय बेटा, बाय बाय, सी यू, बाय। सुनो, अगर ये क्लास पसंद आई है तो क्या करना है? लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसी लगती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, आई रीड योर कमेंट्स। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और भी बहुत लोगों तक पहुंचे। पता है ना आपको, बहुत सारे बेचारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास क्लासेस का एक्सेस नहीं है, और ये क्लासेस मैं आप लोगों के लिए इतना डिटेल में क्यों ले रही हूँ? इतना डिटेल में क्लासेस इसलिए ले रही हूँ कि जिन बच्चों के पास क्लास का एक्सेस नहीं है वो भी पढ़ सके। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, ताकि बहुत बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और सारों को इससे फायदा मिले। और क्लासेस कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल राइट, बाय बाय बच्चों।